वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जिनमें आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई है, तो एक बार इनके लेवल देख लेते हैं। अगर आप चाहते हो किसी भी शेयर के ऊपर मैं इनमें से डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। मैंने आपके सामने ओपन किया, इस शेयर का नाम है ओरिएंटल ट्री मैक्स लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 8.50 रुपये और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 10% के आसपास डे लो पे। तो एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने ओपन किया है, अच्छी खासी गिरावट इसमें हुई है। तो अगर ये शेयर आपके पास है तो मेरे हिसाब से ना, अगर आप इसमें SL फोकस करें, वो हमारे पास आ रहा है करीब 8.20 रुपये। अगर इसने 8.20 रुपये को ब्रेक करके इसके नीचे अपने डे की क्लोजिंग दी तो उस कंडीशन में इस शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें आ सकती है। कोई न्यू बायर अगर ये वो बाय करना चाहता है, जब तक ये 9.50 रुपये के ऊपर मिनिमम 2 डेज यानी 2 दिन सस्टेन ना हो, तब तक कोई भी न्यू बायर से बाय ना करे। अगर इसके ऊपर सस्टेन होएगा तो उस कंडीशन में देखो पैनी शेयर है, इसमें कभी भी मूव आ सकता है, कभी भी मूव इसमें गिर सकता है। तो सिंपल, अगर आप बाय करना चाहते हो 9.50 रुपये के प्राइस पे से बाय कर सकते हो और उस समय हमारा टारगेट होगा करीब 11 रुपये प्लस का। अब बात करते हैं अपने अगले शेयर की। इस शेयर का नाम है ताराचंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशन लिमिटेड। इस शेयर का करंट प्राइस है करीब 40.25 रुपीज़ और इसकी डे की क्लोजिंग हुई है करीब 8.31% डे लो पे। तो एक बार इसका लेवल देख लेते हैं। जैसा कि आपके सामने है, ये करीब है ना अभी 40 रुपीज़ की सपोर्ट पे, यहाँ पर इसे 50 DMA का सपोर्ट मिल रहा है। अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया तो इसका अगला सपोर्ट आएगा वो 37 रुपीज़ का आएगा। 37 रुपीज़ का सपोर्ट है, अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया, यहाँ पर 200 DMA का सपोर्ट है, इसे ब्रेक कर दिया, उस कंडीशन में देखो इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट हमें आ सकती है। पर एक 50 DMA सपोर्ट है, पूरे चांस है यहाँ से रिकवरी करेगा। अगर इसने यहाँ से रिकवरी करी तो आने वाले टाइम में इसका जो हमारा टारगेट है वो एक 45 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर वो इसे ब्रेक कर गया तो आराम से 50 रुपये तक ये शेयर आराम से हमें फ्यूचर में दिख सकता है। अगर ये यहाँ से रिकवरी करता है उस कंडीशन में ना, हमें 40 रुपीज़ का SL रखना है। पर अभी जो प्राइस है, अगर कल के दिन भी इसने अपना जो डे की क्लोजिंग है 40 रुपीज़ से नीचे दे दिया तो उस कंडीशन में इसमें और भी ज़्यादा गिरावट हमें आ सकती है। सिंपल आपको बताता हूँ कि अगर इसने 40 रुपीज़ के नीचे अभी डे की क्लोजिंग दी आने वाले दिनों में, तब इसमें और भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। अगर सपोर्ट है करीब 37 रुपीज़ का, अगर इसे इसने ब्रेक कर दिया तब आप इस शेयर में फिर आप भूल जाओ, बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी, करीब 30 रुपये तक भी शेयर जा सकता है। पर जैसा कि यहाँ पर 50 DMA का सपोर्ट, अगर इसने यहाँ से रिकवरी करी और 1 या 2 दिन इसके ऊपर सस्टेन रहा, तब उस कंडीशन में 45 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इसने इसे ब्रेक कर दिया तो इसमें 50 रुपीज़ का हमारा एक टारगेट होगा। सिंपल है, अभी के लिए करीब आपने एक SL फॉलो करना है जो 37 रुपीज़ का SL है। अब बात करते हैं अपने अगले। इस शेयर का नाम है गायत्री प्रोजेक्ट लिमिटेड। इस शेयर में आज के दिन एक अच्छी खासी गिरावट हुई है। इसकी जो डे की क्लोजिंग हुई है करीब 8.21% डे लो पे हुई है और इसका करंट प्राइस है 31.85 रुपीज़। अब बात करते हैं इसके लेवल के ऊपर। जैसा कि अभी टाइम में अच्छी खासी गिरावट हुई है, लास्ट टाइम कई बार इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, प्रॉपर लेवल के ऊपर बताई है और प्रॉपर SL बताया। अभी का जैसे कि एक अच्छी खासी गिरावट हुई है और इसने अपना जो 200 DMA का सपोर्ट है उसे ब्रेक करा, उसके देखो उसके बाद इसमें लगातार गिरावट ही हो रही है। और अक्सर मैं कहता हूँ अगर कोई भी शेयर अपना 200 DMA को ब्रेक करता है उसके बाद उसमें गिरावट होने पूरे चांस होते हैं, जैसे कि इस शेयर में हुआ है। जो अभी के लिए हमारे पास सपोर्ट आ रहा है, देखो पूरे चांस है, अगर 30 रुपये रिकवरी करता है तो ठीक है, अगर 30 रुपये को ब्रेक करके इसके नीचे अपने डे की क्लोजिंग देता है तब उस कंडीशन में इसमें और भी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।